हाय फ्रेंड्स, आई एम आरबी। आज हम एक्सेल की वो फीचर की बात करने वाले हैं जो कि हमारे काम को थोड़ा कम करता है, काम आसान बनाता है। और अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हम उस पर अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो हम उसके सिर्फ एब्रीवेशन से लिखेंगे और एक्सेल अपने आप उसको एक्सपेंड कर देगा। तो ये देखते हैं कैसे हम एब्रीवेशन से टेक्स्ट को ऑटो टाइप करके एक्सपेंड करते हैं। आपको रूटीन के काम में या आपको कभी टाइपिंग करते हुए या शीट में या कभी भी आपको हो सकता है किसी नाम की या किसी नंबर की या किसी की चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है और इट्स क्वाइट लेंदी, आपको बार बार वो टाइप करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी एब्रीवेशन बना सके सेव कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप वो एब्रीवेशन करेंगे एक्सेल उसको ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें एक्सपेंड कर देगा, जिससे कि आपको बार बार वो चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो है वो उसमें टाइम भी बचेगा। तो उसको कैसे करते हैं, पहले देखते हैं कि एब्रीवेशंस को जो एक्सेल है वो कैसे करता है। कुछ एब्रीवेशंस जो है वो एक्सेल में ऑलरेडी बिल्ट इन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर सपोज आई वांट अ कॉपीराइट सिंबल, अगर मैं कॉपीराइट करता हूँ तो ये देखिए अपने आप बन गया। अब अगर मैं रजिस्टर्ड नंबर लेने जाता हूँ तो ये रजिस्टर्ड बन गया। तो इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं और एक्सेल उसको अपने आप एक्सपेंड कर देगा। तो कैसे करते हैं उस, तो उसके लिए हमको बैकस्टेज व्यू में जाना है। आपको मालूम है हम पीछे अपने ट्यूटोरियल वीडियोस में भी बता चुके हैं कि आपको कैसे बैकस्टेज व्यू में ऑन करना है। यहाँ आइए, बैकस्टेज फाइल मेन्यू में आइए एंड यहाँ पे एक प्रूफिंग में जाकर आपको एक ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का बटन मिलेगा, इस पर प्रेस कीजिए। यू विल गेट अ वन पॉपअप विंडो, एक पॉपअप विंडो आएगी तो जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो, जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको अभी कॉपीराइट करके दिखाया या रजिस्टर करके दिखाया, इसी तरह से बहुत सारे और सिंबल्स हैं और कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स भी हैं। जनरली हम टाइप क्या करते हैं, कई बार अबाउट टाइप करते हैं, ए बी बी ओ यू आउट कर देते हैं तो एक्सेल उसको भी करेक्ट कर देता है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो कॉमन मिस्टेक्स टाइपिंग में हो सकती हैं उसके लिए एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे उसकी ऑप्शन देता है। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सपोज टी एच एन ए टाइप किया तो वो उसको अपने आप देन बना देगा। इसी तरह से अगर मैंने टी एच एन ई किया तो उसको टी एच ई एन बना देगा। तो बहुत सारी ऑप्शंस है। इसी तरह से मेरे पास कुछ एक्शंस, कुछ मैथ्स के ऑटो करेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज अगर मैं ये करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसके मैथ्स के सिंबल दे देगा। बट अभी क्या है कि अभी हम जो है ये देखते हैं कि अगर हमको मान लो कुछ टाइप करना है, अगर मैं उसका एब्रीवेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपके पास आएगा। सपोज मैं बनाता हूँ इटका का, तो मैं दो स्मॉल आई दे देता हूँ एंड इसको किससे रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है इटका, सॉरी इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मिसिंग आई आई एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ करता हूँ, अब सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ आई आई टाइप करता हूँ एंड जस्ट स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखिए इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड मेरे पास अपने आप आ गया। अब जहाँ भी मेरे को इटका की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं सिर्फ आई आई करूँगा एंड इस तरह से मैं इसका यूज कर लूंगा। तो इस तरह से हम ऑटो करेक्ट फंक्शंस का, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का यूज करके कुछ भी अपना एब्रीवेशन बनाकर अपने टाइम को बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।